अच्छा रहना भाई जी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप बात करने के लिए हमारे साथ आए हैं, और आज हमें बात करनी है अंधा युग के बारे में। आपने कम से कम दो बार अंधा युग के इसकी तो मुझे जानकारी है, 77 और 86 में एनएसडी रेपेटेटिव, उसके अलावा भी किया होगा तो एक किया है खुराफाती वाला। अच्छा वो किया था 74 कुछ, रवि पासवानी, मैं, अपना वो क्या नाम उसका, दीपक काज, मनचंदा, हमने मिलके किया था। वो पूरा हिप्पी स्टाइल का था। अच्छा, सारे हम ब्लैक जीन्स में थे और बाल सबके लंबे होते थे, अब तो बाल भी नहीं रहे ना, तो विद हेड बैंड्स, तो विद एंटायर न्यू म्यूजिक, कंटेम्प्रेरी म्यूजिक, टैक्स वही, लेकिन वेपन्स बदलते थे। अच्छा, से बाले बाले से ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, अंदर वो अपने दो प्रहरी बदलते रहते हैं अपने वेपन्स। और ये दिल्ली में किया था, ये भी त्रिवेणी में किया था। त्रिवेणी में किया था। अच्छा ये बताइए कि यानी कि अंधा युग ऐसा नाटक है जो कि हिंदुस्तान में बहुत सारे डायरेक्टर्स ने कई बार किया है, और ऐसे आपने बताया कि आप इसको हिप्पी स्टाइल में भी किया और अलग तरीके से भी। तब वियतनाम का भूत था ना, सबको एंटी वॉर वियतनाम भूत वाज देयर, तो हम लोग मोर्चे भी बहुत करते थे, मतलब एंटी यूएस इन्वेजन इंपीरियलिज्म, जितना भी वियतनाम पर नेपाम बॉम्ब गिरते थे, तो वो सारा लाइफ मैगजीन दोनों होता था उसमें, ये सत्यानाश जो वॉर का हो रहा था वहाँ, बाई प्राय कम्बोडिया, ये सारा लपेट में आया था सारा, तो उसका एंटी वॉर इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा ही हम पे पड़ा था, तो उसका उसका नतीजा था ये प्रोडक्शन। पर यानी कि आपको यानी कि अंधा युग का एक एंटी वॉर प्ले है, ये तो खैर है ही, है ही इसमें। उसके अलावा आपको क्या क्या लगता है उस नाटक में, और क्या क्या है उस नाटक में? थिएटर की दृष्टि से देखें तो उसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि कैरेक्टर्स खूब महाभारत के कैरेक्टर में बड़ा डायमेंशन मिलता है, वो एक्टर के लिए भी बड़ा ये होता है चैलेंजिंग एक्टर। संवाद जो उसमें है, स्पीच जो है, जो उनकी मिठास उस भाषा की है, और लगता है कि वो पुरानी भाषा जबकि बिल्कुल नए शब्द है, उसमें उर्दू के इधर उधर शब्द पर चुपके घुसे हुए हैं, पता नहीं चलता, लेकिन जिस तरीके से उनको उन्होंने पिरोया है वो अद्भुत है। मुझे लगता है भारती जी उस वक्त इस चक्कर में थे सोचने के कि वो ऐसी भाषा का मतलब जन्म दे रहे थे उस प्ले में, ताकि वो हर आदमी समझे उस भाषा को, मतलब महाभारत की भाषा न बना के फील देता है, और फील वही, फील वही है भाई, और बहुत पोएटिक, बहुत अद्भुत पोएटिक, मतलब ऐसा नाटक शेक्सपियर के बाद या और कुछ नाटक के बाद जिसके संवाद आज भी आपको याद है एज एन एक्टर या एज अ डायरेक्टर, वो अंधा युग के रहते हैं आपको, या वो अपने राकेश की प्ले के रहते हैं, वो क्राफ्ट्समैनशिप जो है शब्दों की जो करते हैं वो कमाल। आपने जो तीन बार किया, पहली बार आपने 74 के आसपास वो अपना अश्वत्थामा किया था। अच्छा, एक्टिंग भी की थी? अश्वत्थामा में ही था, और एक हिप्पी बीटनिक स्टाइल में, और मुझे याद है 77 में आपने पुराना किला में किया था, और 86 में जो कि जर्मन के टूर पे गया था फेस्ट ऑफ इंडिया के लिए, वो एक अलग किस्म का। तो ये तीनों प्रोडक्शंस में क्या आपको, क्या आपकी जर्नी रही इसको करने की, अंधा युग की? देखो जब पहला किया तो वो बिल्कुल इट वॉज अ हॉरिबल इम्पैक्ट ऑफ वियतनाम वॉर ऑन अस। अगर उस वक्त हमारे पास वीडियोस होते, हमने पता नहीं क्या क्या किया होता उस पर, कितना डालते हैं, क्योंकि म्यूजिक भी मैं, हमने देयर वर गिटार, देयर वर ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंट्स वर यूज्ड इन दैट, तो यूज़ किया, तो उस वक्त वो बिल्कुल जो उस वक्त चल रहा था वॉर चल रहा था, तो आई थिंक 71 जनवरी था, वॉर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, इट हैड रीच्ड द हॉरिबल लिमिट्स बाय अमेरिकन बॉम्बिंग। तो अब दूसरी बार जब हुआ तब तक हमारी भी थोड़ी सी ग्रोथ हुई, इट वॉज अबाउट नाउ 5-6 ईयर्स आफ्टर आई डिड इट, बट आई हैड टू डू इट फॉर रेपेटरी कंपनी। रेपेटरी कंपनी ऑर्गेनाइज एक्टर्स कंपनी है, और उन्होंने कहा भाई मैं पुराने के लिए मैं करना था। एक अनुभव था कि एक एक्टर जो 5 फुट 5.5 फुट मैक्सिमम 6 फुट होगा, इस मॉन्यूमेंट के सामने कैसे खड़ा करेंगे आप, एक तो ये चैलेंज होता है, स्केल का चैलेंज था। दूसरा ये था कि तब तक मैं काफ़ी कुछ ये अपना फ्रीलांसिंग के दिनों में, फ्रीलांसिंग चल रही थी, काफ़ी देहातों में घूमा, काफ़ी लोक शैलियों को देखता रहा, तो वो ये था कि तब मुझे ये समझ में आया कि लोक शैलियों का
पावर कितना है, ड्रामेटिक पावर, क्योंकि मैं उधर स्कूल में भी अपना क्या कहते हैं वो चश्मा ऑर्डर किया था, तो एक ओपनिंग दिखी थी कि भाई इसमें यू नो अगर आप लोक शैलियों को आधुनिक दृष्टि से डिकोड कर सकें तो आपके सामने वो खड़े हो जाते हैं आज के संदर्भ में। अगर आप उनको देखते हैं कि ये पुरानी है तो आपको कुछ नहीं लिखा कि इसमें आधुनिक क्या है, आधुनिकता क्या, या आधुनिकता के साथ उस चीज को कैसे जोड़ोगे। जैसे कि मैं आपको एक बता दूंगा, मुझे हमेशा लगा कि कथकली में कुड़ियाट्टम में एक यवनिका का इस्तेमाल होता है, एक ही रंग की वही यवनिका हर बार आई जाएगी। मैंने नहीं, इसके साथ खेलना चाहिए, यवनिका के साथ मैंने कुछ नाटकों में इसका गेट प्रयोग किया। मैंने देखा है कि हर पात्र जो है उसका एक साइकोलॉजिकल पर्सोना होता है, वो पर्सोना का मैं इंडिकेटर यवनिका के साथ कर सकता हूँ। तो अगर याद होगा कि यवनिका का कलर, यवनिका का डिजाइन, उसके जो ग्राफिक्स थी वो बिल्कुल हम चाहते थे उस कैरेक्टर के साथ मिले जुड़े, उस पर फिर ग्राफिक्स और डिजाइन बढ़ा देते। जैसे कि मैं कहूँगा कि उसमें संजय है, संजय तो न्यूट्रल है, बट एक ये था कि भाई एक डोमिनेंट फ्रेम में है सारा ड्रामा, वो ट्रेजिक है, ट्रेजिडी है, और एक ब्लैक फ्रेम के अंदर एक भरोसा है काम, ब्लैक फ्रेम के अंदर का कपड़े का कलर अलग था हर कैरेक्टर के, यवनिका का फ्रेम ब्लैक था, उसके बीच में बीच में कुछ और कलर्स थे, जैसे कि अश्वत्थामा था उसका स्केल ही बदल गया बनी यवनिका, इट वॉज अ ह्यूज यवनिका, ह्यूज, इट वॉज 10 feet by 10 feet और पोल्स में पकड़ते थे उसको, कितना लार्ज, तो जो दो एक्टर्स को पकड़ते थे पहले उनको यूं पकड़ना था उसका साइज, उनकी हालत करते पकड़ पकड़ते, और फिर उसके पीछे अश्वत्थामा अपीयर होता था, अपीयर ही नहीं होता था, वो उसका एक ड्रामेटिक सेट की तरह इस्तेमाल करता था बिफोर ही विल कम इन। वो तीन बार जैसे हम कथकली में भी देखते हैं, वहाँ पर चीखते हैं वो वैसी एक साउंड निकाल के सिर्फ धनुष देखता था आपको, पहले धनुष तीन बार ऊपर आता था, फिर धनुष से ही वो पाटता था यवनिका को, तो यू सॉ हिम लाइक दैट, पूरी वॉयलेंस जो है यूं करके एक दूसरे में दी फॉर्म। अच्छा, अब उसके जो यवनिका के जो डंडे जो थे उसके ऊपर हमने मास्टर भी लगाई थी वो पशु पौधे, और यूं जब करता करता था तो वो भी मैं ये पकड़ता था कपड़े को, वो भी मैनिपुलेट होते थे, सो जो पीछे यवनिका का वो सिर्फ खड़ा नहीं है, वो पपिटियर भी है, पपिट भी, और जब उसने यूं किया उसके बाद नीचे करके एक समरसॉल्ट एक पूरी छलांग मारता था सामने धनुष लेके और उसके पीछे यवनिका जाता था, तो एक रेड यवनिका 10 feet के फ्रेम में अश्वत्थामा पीछे, तो एक किस्म के क्लोजअप टेक्निक जैसा है, बिल्कुल जूम इन करते हैं आप उस पर, और उसके बाद बात करते करते भी उसको संवाद है, एक छोर नीचे का पकड़ता है जैसे एक तरह से छोर पकड़ता है, और पूरा पैंटोमिम चलता था, उसमें कहता था कि आता है कोई शायद पांडव योद्धा है पीछे से चिपका, एंड यू हाइड हिज फेस इन, एंड व्हेन ही डज दैट दिस इवन मास्क इज कवर हिज फेस एंड देन ही विल मूव आउट, वेरी इंटरेस्टिंग, ही विल मूव आउट निकल के एंड देन ही विल गो आउट, तो ऐसे ऐसे ये युत्सु है, उसको पत्थर ही पड़ते रहते हैं, हम मारते हैं उसको, युत्सु बेचारा नहीं तो गर्भ पर कृष्ण का भक्त था, तो हमने उसको ब्लू में रखा ब्लैक में रखा, लेकिन आता जब छुपा हुआ चोर की तरह आता है, समरसॉल्ट करता है, यू कैन सी हिज फेस, फिर जब वो आता तो वो धीरे धीरे अपना फेस करते हैं, डरने में उतनी यात्रा नहीं जितना वो कहने में, जिसको सब कहते हैं वगैरह वगैरह जितनी वो होने में। हाँ, तो यवनिका का परंपरा और आधुनिकरण करना इस तरह से सबका था कुछ ना कुछ। तो आपने सेकंड प्रोडक्शन में अपने जो है जो फोक एलिमेंट्स का फोक उसको एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में डाल दें डाल के, और जो तीसरा आपने किया जो कि तीसरा और एक स्टेप गए हम आगे। अच्छा, तीसरा स्टेप ये होगा कि तीसरे स्टेप में ये किया कि और भी ट्रेडिशन अंदर आ गया, कथा गायन का ट्रेडिशन और अंदर आया, और मुझे याद है एक सीन आपको याद होगा, उसमें एक सीन है वन में दबागने लगती है, जितने भी आपने प्रोडक्शन करके सबने वो निकाल दिया उसी का लंबा नाटक, मेरा टेक था कि ये करना किसी को नहीं आता, इसलिए बेस्ट थिंग इज टू कट इट टाइम के बहाने,
पहले में मैंने काटा था किस में जब उसने किया था अपना पुराने किले में कहता पुराने किले में इसमें मैंने कहा नहीं कटेगा मुझे करना नहीं आता करना क्या सी एक तो सीधा है कि आप उसको एक फायर फायर में दिखाएंगे लाइट्स लगा के मैं कहा उसमें कोई पोइट्री तो है नहीं सारा नाटक तो पोइट्री का है तो हमें भी तो पोएम्स ही बनानी है इमेजेस पोइट्री की बनानी है मेटाफर्स बनाने तो ये मेटाफर्स कुछ पुरानी प्रोडक्शन के तो आए लेकिन इसमें क्या किया मैंने इसकी जो सारी कल्पना जो ये सीन का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए ये भी कार्यात्मक होना चाहिए अब कैसे होगा ये पता नहीं था बिल्कुल नहीं किसी मैं रोज आऊँ और उनको कहूँ ग्रंथ भी शुरू हो गए ये सीन छोड़ दो आगे चलो तो मेरे साथ एक मजाक उतरा करती थी ये सीन छोड़ो आगे चलो अच्छा कह रहे ना काट दे क्या कर रहा है तुम तो काट देना मैं कर नहीं कटेगा नहीं करना कैसे मुझे नहीं आ रहा बट वन मंथ ही तो मैं तो तड़पने लग गया लिटरली याद है वो कितना तड़पता था मैं घर पे ड्राइंग रूम में सोने लग गया लेकिन 3 बजे रात को मैं जग गया मैंने कहा यार ये तो 10 दिन लगेंगे 8 दिन लगेंगे नाटक ओपन करने की क्या करूँगा फिर मैंने कहा ना उस्ताद ने कहा है कि ये नाटक नहीं समझ आता फिर से पढ़ो तो मैं रात के 3 बजे अंदर याद हो के फिर पढ़ता रहा और जो ही ये सीन आया सर वो कहता है विदुर कहता है महाराज आगे न बढ़े क्या आगे न जाए वन में दावाग्नि लगी है धृतराष्ट्र रुकता है पौध है तो कहता है विदुर ये दावाग्नि नहीं है फिर ज्योति वृत्त है स्वयं मैं चीखने का मिल गया मैं कहीं था अगवा तामा का सत्य मिल गया चाय बनाए मैंने कहा हो गया इट इज अ ओल्ड मैन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड उसको तो बनारस जाना है वो यम का वेट कर रहा है मुझे ले जाएगा ही इज नॉट स्केयर्ड ऑफ डेथ एंड ही वॉक्स इनटू फायर इमोलेशन करता है अपनी और अग्नि खुद बन जाता है मैंने कहा यम को लाएगा अग्नि के रूप में तो हमने वही यम का अदर कलर की एक चैरिट बनाई इसके थ्रेड्स थे चलते थे आते थे और सारा कोरस जो है अपना कथा गायन का उनको गेरवा अंगवस्त्र वो एक बार मैं उनको मंजीरे दी थी मैंने बुद्धिस्ट मंजीरे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी बजाते चाम चाम एंड सडनली उनकी तो उनको हमने कहा है कि इम्प्रोवाइजेशन करो एंड ये जो ये तुम्हारे ये जो है मेक देम क्लाउड्स ऑफ फायर अच्छा सो द मूवमेंट स्टाइल मूवमेंट पीस सो दे स्टार्टेड इम्प्रोवाइज मुझे याद है उसमें डॉली थी दो तीन तो अच्छा मजाक चलो ओए रहना आज कुछ करना आते ही मैंने कहा मैं कहा आज सीन हो रहा है दिखा देता हूँ कैसे होगा सीन आज नहीं कटना है आज तो कुछ यही होगा तो वो क्लाउड्स ऑफ फायर की तरफ चलते हैं धीरे 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 वो इस क्लाउड्स बिकम लिरिकल क्योंकि मूवमेंट कर दी कपड़े को लंबा करते 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 देख कवर वॉल ऑफ देन यम आता है एंड बिल्कुल एक समझ लो तो एक ऐसा था कि जैसे उनको ना किसी पालकी में ले जा रहे थे सबको एंटरटेनमेंट ऑफ एंड कभी तो उनकी चेहरे दिखते थे कभी दिखते नहीं थे आई रिमेंबर जब मैंने ये किया था मतलब कहते यार वाकई ये क्या कर दिया तुमने मैंने कहा नहीं ये होगा तो यूँ होगा नहीं तो नहीं होगा तो वो जब हुआ तो पहला उसका ट्रायल हुआ था क्या मेरे ना मैं कहीं दिस इज इट तो ऐसी ऐसी चीज़ें अगेन सीड कहाँ है बीज कहाँ है बीज तो परंपरा से जो आपका लोकनायक नाटक है उधर से निकालते निकालते हैं और फिर आप उसको बुद्धिस्ट मंजिलों से जोड़ते हैं वो भी परंपरा से यहीं से है तो उसी जिग्सा पज़ल को पकड़ते पकड़ते कुछ बन जाता है जैसे आपने कहा तो मुझे याद है कि सभी जानते हैं कि ये बेसिकली रेडियो पे था भारती जी ने इसको लिखा था रेडियो के लिए और इसीलिए इस तरह की इमेजरी और सारी चीज रेडियो में तो बहुत आसान था कर पाना हाँ। लेकिन स्टेज पे उसका एक थिएट्रिकल ढूंढना इक्विवेलेंट कैसे उसको आप करें अच्छा फिर मैंने और एक चीज किया कि एंड जब प्ले होता है तो उसमें कृष्ण की मृत्यु हो जाती है कथा गायन आता समय कहता मैंने सुने उसके प्रभु के वचन क्या कोई सुनेगा ऑडियंस होगी क्या कोई सुनेगा अंधेरा होता जाता है और मैंने एक नवजात शिशु की आवाज अच्छा रो रहा है एंड वेदर इज बीगिंग और इट इज सफरिंग अच्छा क्योंकि वो वही वियतनाम का कहीं था कि वो बच्चे ऐसे दिखते थे उस बार उन्हें तो वो रोता है लाइट्स को डाउन डाउन डाउन
एंड तक टिल फॉर क्वाइट सम टाइम वी हैव ब्लैक आउट इन द ऑडिटोरियम और बच्चे की आवाज रोने की चलती थी, क्या कोई सुनेगा बच्चे की, काफी उसमें अलग अलग इंटरप्रिटेशन थी, ऐसी काफी चेंजेस थी। अच्छा, यानी कि जैसे आपने शुरू में बात में कहा कि एक्टर्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग है और तो बड़े इंटरेस्टिंग करेक्टर्स हैं इसमें, चाहे वो यीशु हो, चाहे वो प्रहरी हो, अश्वत्थामा, संजय, ये सब जो हैं, आपको क्या लगता है कि अंधायुग नाटक किस पात्र का है? गांधारी का है, अश्वत्थामा का है, कृष्ण का है, किसका है? ये युद्ध का नाटक है, बाकी उसमें सारे वो बैलेंस की वो क्या होते हैं, तराजू की वो अंडरडेट करते रहते हैं। इनफैक्ट ये ऐसा ही नाटक है जिसको तुम कह दो कि मेरे लिए कि ट्रूथ वर्सेस अनट्रूथ एंड गॉड्स कैन फॉल इन दैट वॉर, वो भी उनका भी हाल बुरा हो जाता है, इसलिए वॉर की तरफ जाओ ही नहीं कोई। इसमें कहता है कि इसमें नहीं कि सब सब हारे हैं, सत्य भी हारा, असत्य भी हारा है और हारा, वो तो कई लाइन भी है उसमें, वो शुरू में कहता है विष्णु पुराण में लिखा है कि राज शक्तियां लोलुप होगी, जनताओं से छुप छुप कर दिन काटेगी, गहन गुफाएं अंतर मन की या खुद की, वो सारा कहता है कि फ्यूचर कैसा होगा, या एंड पे वही कहता है कि ये था कौन हारा कौन। अच्छा, इसमें और एक जो बहुत बढ़िया था, मैंने दो म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, दोनों प्रोडक्शन मुझे एन एस डी, एक थे पाठक जी और दूसरे में थे अच्छा, जो प्रोडक्शन जर्मनी गया उसमें हमने स्पेशल ड्रामिंग बनवाया, मैंने इतना बड़ा ह्यूज अच्छा से और उसको इतनी बह गई जी, मेरी अपनी एक थमल थेरी थी उसमें, स्वर क्या रहे हो, साज क्या कर सकते हो, बांसुरी हो सकती है, मंजीरा हो सकता है, ड्रम्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, शांत हो सकता है, मंजीरे बस, इतनी चार थे, समझ सकते स्वर कैसे देंगे या गायकों को सुनकर सर सुनकर दे जाएगा, तो उनको ट्रेन किया गया कि भाई हारमोनियम नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, लेकिन दोनों ने म्यूजिक जो दिया अद्भुत था दोनों का, मतलब उपरेती जी ने राग नहीं उसकी, जिस तरह बाढ़ के बाद उतरती है गंगा तट पर, और उन्होंने काफी वैदिक चैंटिंग का इस्तेमाल किया, जी ने कहीं हार्डली कहीं राग का इस्तेमाल किया, लोक पद्धतियों का ज्यादा उपयोग किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा था, उन्होंने क्लासिकल रागों का इस्तेमाल किया, उन्होंने दूसरा किया। अगर अभी आपको फिर से अंधायुग करने का मौका मिले तो अभी क्या क्या होगा? कुछ पता है कैसे ही क्या करूँगा अभी, अभी आई डोंट नो, मे बी आई विल गो ऑन अ मोनो कलर नाउ बिकॉज सी द अर्थ हैज बीन डेवास्टेटेड इनफिनिट टाइम्स नाउ एंड इन फैक्ट द वैल्यूज आल्सो हैव गॉन टॉप सी टर्मी, आई डोंट नो, आई मे डू अ पोस्टमार्टम प्रोडक्शन ऑफ इट व्हेन एवरीथिंग गोस बट जो भाषा है वो आपको वापस पकड़ती है, भाषा ही आपको स्टाइल तब बताती है, वो बता सकते हैं, उसके बाहर आप करने तो उसको फर्क पड़ते हैं, उसमें भाषा इतनी ताकतवर है, इसमें आप उसे बाहर निकले तो आप खैर मर भी जाएंगे। और कमाल है कि ये नाटक कब लिखा था? 50s में, अर्ली 50s में लिखा था उन्होंने और बहुत यंग थे उन्होंने लिखा। हाँ, जब मैंने 80s में किया उसमें पपेट संग्रह आए और अच्छा होता है इसी, उसमें वो सीन है सपने का, देखता है कि दो जोड़िया चिड़िया आती वो खाती है, मैं कहा नहीं नहीं ये तो यूं आना, यूं हिरन मारना, कौवा यूं करना, तो बात तो बनेगी नहीं, मैंने कहा मैं लेदर पपेट्स पोफरेटेड यूज करूँगा, तो मैं दादी दादी पर तो मुझे बहुत अच्छे पपेट है, मैं कहा दादी ऐसे, कहता नहीं उतने बड़े तुम्हें मिलेंगे नहीं, वो हम प्लाई को परफोरेट करेंगे। अच्छा, प्लाई वो शैडो पपेट्स होती हैं, बन गए ना शैडो, तो उसको हमने एक एक पंख अलग, बॉडी अलग, यहाँ पर रस्सियाँ लगी थी, यहाँ पर एक डंडा, यहाँ पर एक डंडा भी,
एक बर्ड को तीन लोग ऊपर उठाए थे। ओए व्हाट अ सीन, व्हाट अ दोनों, और अश्वत्थामा इतना चूजा दिखता था उनके सामने, और फिर जब उसको मारता कौवे को, उसकी विंग्स अश्वत्थामा के ऊपर गिरती थी। उसकी पिक्चर्स हैं विजुअली बड़ा जस्ट वेरी स्टनिंग विजुअल, बिकॉज़ वी चेंज अगेन, सी होता क्या स्किल चेंज थोड़ा सा तुम करो ना तो एक अलग ही इम्पैक्ट रहता है। एंड दैट वॉज जब वो हमने देखा, फिर उसकी लाइटिंग सही नहीं लग गई, कैसे लाइट बैक लाइट करना था ज्यादा, हाँ, ताकि शेडो दिखे, शेडो था, एंड इट वॉज लाइक अ मेटाफर ऑफ शेडोज इन हिज हेयर, वो कर फाइनली। एंड ऑल्सो रिमेम्बर फोक शैली में आप ये सब कर सकते हैं, फोक शैली में तो आपको कोई छूट नहीं है, तो मैजिकल रियलिज्म में आप जाइए कुछ भी कर सकते हैं, उसमें तो कोई यानी कि बंधन नहीं होता ना, बंधन आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी कहीं भी जा सकते हैं। तो वो बहुत मजेदार थी ये, एक तो ये अपना यम का ना ऑन जेरेट ऑफ ये सब 86 के एडिशन में था, तो जब ब्रह्मास्त्र इसमें छोड़ते हैं ना तो कुछ देर के लिए रुकना, फिर उधर से ब्रह्मास्त्र आता है, कहता है तो देख उसने भी छोड़ दिया, अर्जुन ने भी छोड़ दिया, अर्जुन ने भी, तो व्हाट आई डिड जब न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका जाता है उसमें एक आवाज आती है, I use that. अच्छा, तो जिसको समझ आएगा तो आएगा समय, हमें तो दिस साउंड एंड देन द फ्लैश। अच्छा दूसरा ये भी कि मैं एंटी वॉर काफी सोच विचार का बंदा हूँ, मैंने ओपेनहाइमर जिसने एटॉमिक बम उसका प्ले जिसमें उसने भी एक्ट किया है भाई साहब ने अपना बॉबी, मैं ही हूँ काल पुरुष, मैं ही हूँ काल पुरुष ओपेनहाइमर, और ये भगवत गीता का एक श्लोक है, जब उसने लॉस एंजेलिस में वो फ्लैश देखा पहले टेस्ट में तो उसको यही शुरू की याद आता है, मैं हूँ काल पुरुष ब्रह्मांडों का विध्वंस करता कृष्ण का स्वरूप का, ही रिमेंबर गीता दैट टाइम, इट अमेजिंग थिंग कॉन्सिक्वेंसेस, इसीलिए उस किताब का नाम भी है ब्राइटर देन द थाउजेंड सन्स। दूसरा ये था कि कंटेम्पोररी टाइम में जैसे आपको किए हुए करीब बहुत साल हुए हैं, तीन दशक, 86, 96, 2006, 25 साल हो गए आपको किए हुए, इन 25 सालों में आपने देखा है दुनिया में तमाम तरह के युद्ध हुए हैं और लगातार होते जा रहे हैं, अपने देश के भीतर बहुत सारी चीजें हुई हैं, आज आप कितना कंटेम्पररी पाते हैं इस प्ले को? इस प्ले को बहुत कंटेम्पररी है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि अब इसको और कंटेम्पररी ट्रीटमेंट देना चाहिए, वो कैसे होगा अभी सोचा नहीं उस पर, मुझे लगता है कि मुझे कभी लगता है कि इवन वो प्ले और एक है एंटी वॉर प्ले टोटल लवली वॉर, क्योंकि जिस तरह से हमको एक चीज़ भूलना नहीं चाहिए, ऑल हैज बीन डन अंडर द गाइज ऑफ इंपीरियलिज्म, वेदर इज एटॉमिक बॉम्ब, सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अरब वॉर, दिस वॉर, दैट वॉर, आज अफ्रीका में लूट जो है आज इट इज इम्पीरियल, यू सी व्हेन यू डू सच अ थिंग सच अ प्ले यू हैव टू रिमेंबर अ म्यूजिकल डिजाइन, यू हैव टू डिजाइन साउंड, वेदर इट इज सॉन्ग, वेदर इट इज सॉन्ग, वेदर इट इज इफेक्ट, वेदर इट इज साइलेंस। आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ, आई हैव स्टडीड क्लासिकल म्यूजिक, आई हैव ऑल्सो स्टडीड वेस्टर्न सिम्फोनिक डिजाइनिंग ऑन माई ओन, आई थिंक स्कूल, बट क्लासिकल म्यूजिक आई हैव study properly. So I always am conscious about the fact that I have to create a musical design. I am not just because I sound achhi lag raha hai. It has to have a counterpoint in the text. Some kind of text tells you what sound you will use. Oh. And as the performance progresses, your sound design should also unfold thematically. You can't use any theme, thematic music, just like an effect. It is also the text. Music, sound actually, not music, sound is also a very subtle subtext which enhances the written word. You know, it's very important. You can't, at what point you will give work. For example, I tell you, I did in this 86 wala, I created a scene, for example, when they leave Kaurav Nagari. Okay. वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन करने अपने पितरों का तर्पण
आगे कौरव विधवाएं चलती हैं, पीछे गांधारी है, एंड देयर इज अ सॉन्ग डन बाय पाठक जी एंड आई क्रिएटेड विधवास इन वाइट. Widows are going to the battlefield to look at their dead bodies. And theatrically, I gave them small earthen lamps, and they were all over the landscape. And that converged at one point, looking around, and Gandhari looks at the sun. And that time, it was song and then silence. And silence. And then, after some time, she says, Ye pada hai kankar, mere putra. माता भी ना देखो वगैरह. तो आई थिंक सी एनी थिंग यू डू इफ यू हैव डोंट हैव अ अनफोल्डिंग डिजाइन इट फॉल्स ऑन योर फेस. सो इन दिस केस एज आई सेड बिफोर ऑल्सो आई डू नॉट ऑल साउंड्स आर लाइव एक्सेप्टिंग दैट मिजल साउंड एंड द कृष्ण आवाज एंड दैट बस दैट वाज ऑल. अदरवाइज instruments by membranophone, chamde ka, cymbals, flute and a huge drum to create that effect, war effect. No other instrument. You have temptation, could I use, somebody could use, Chaina used to, Chaina goes straight to the, another tangent to the, uska anthropology is something else, please don't. The sound also it doesn't go with it, it's vision, present holder. Aisa tu samjha nahi fir.